दोस्तों नमस्कार, मैं विशाल और आप लोग देख रहे हैं हमारा चैनल द बिहारी गाइज। दोस्तों आजकल के भाग दौड़ भरे जिंदगी में आजकल काफी हम लोग इंटरनेट पे ट्रेंड में देख रहे हैं चलते हुए कि लोग अपने डेट ऑफ बर्थ के बारे में जानना चाहते हैं कि अगर हम इस डेट पे मेरा जन्म हुआ है तो इस डेट का क्या रहस्य है। बहुत सारी परेशानियां भी आती हैं जिसकी वजह से लोग इंटरनेट पे तरह तरह के वीडियो सर्च करते रहते हैं और उसका जवाब भी ढूंढते हैं। आज हमारे साथ हैं आचार्य अपेक्षा चौबे जी, जो कि न्यूमरोलॉजी के साथ साथ वास्तु एक्सपर्ट भी हैं, हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। नमस्कार, थैंक यू सो मच। एंड जो भी लोग करते हैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से करते हैं, लिटरली वो बहुत अच्छी चीज है, लोगों को करनी चाहिए। जब आप न्यूमरोलॉजी के बारे में सोचते हैं तो एक ही चीज ध्यान में आता है, वो होते हैं हमारे नंबर्स, कि नंबर्स कैसे प्ले कर रहे हैं। जब हम उस चीज को देखना शुरू करते हैं तो समझ में आता है कि नंबर्स कैसे और कितना हमारे जीवन में इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे सवाल हैं मेरे भी माइंड में जिसका हम लोग अभी इस वीडियो में जवाब आपसे जानना चाहेंगे। नंबर्स के रहस्य का क्या है कि एक एक नंबर जो होता है ना, जैसे जैसे होते हैं वो सब सेगमेंट्स होते हैं। आप जैसे नंबर वन की बात करें कि नंबर वन में आखिर ऐसा क्या है, ऑलमोस्ट कहें तो वो लीडर ही है जी। क्योंकि जो क्वालिटी एक लीडर में होती है, हम लोग किसी को भी बोलते हैं ना जैसे कि वो नंबर वन है। व्हाई? क्योंकि वो नंबर वन इसके लिए नहीं है कि वो उसका नंबर वन है, ऑटोमेटिक वो क्वालिटी उसमें आएगी ही आएगी, वो उसके नंबर का इम्पैक्ट है। अगर डबल वन है तो भी वो मास्टर है, डबल मास्टर है। अगर सिंगल है तो भी वो लीडर ही होगा। और उसके लिए जो सूर्य की जो उसकी दशा होगी उसकी कुंडली में, वो उच्च की होगी, वो हमेशा अच्छा ही करेगा। यानी कि यूं कहें कि 1, 10, 19 और 28 नंबर वाले, यस, ये जो ऐड करने पे भी वन आता है। हाँ, ये लोग लीडर होते हैं। यस, लीडर होते हैं। अच्छा, दो नंबर के बारे में। दो नंबर का क्या केस है कि ये वन और वन मिलके दो होते हैं। मतलब एक और एक 11, जैसा कि हम लोग कहते हैं अपने नॉर्मल भाषा में। तो ये डबल मास्टर्स होते हैं, इनको कोई काम आप दे दीजिए और थोड़ा सा इनको इमोशनल टच दे दीजिए कि हाँ तुम्हारे बिना तो मेरा यह काम नहीं हो सकता, फिर वो देखिए वो यूं आपके काम को फटाफट सॉल्व कर देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये काम इतना इजी था। तो इमोशनल होते हैं, बहुत ही सेवा भाव वाले होते हैं, चंद्रमा से जुड़े रहते हैं जी। तो उनके कभी कभी ये सिचुएशन होती है, जैसे चंद्रमा क्या है कि 15 दिन का उनका फेज होता है, जो 15 डेज बहुत ही अच्छा फील करेंगे इन फेज ऑफ शुक्ल पक्ष। ओके, जैसे ही कृष्ण पक्ष आता है और जैसे जैसे वो तिथि बढ़ती है, जैसे पहली दूसरी तीसरी, तो वो धीरे धीरे थोड़ा लो फील करते हैं। जैसे जैसे चांद बढ़ता है उनकी एनर्जी अपलिफ्ट होती है, चांद घटता है तो वो थोड़े मूड स्विंग्स के उनको एक्शंस आते हैं माइंड में कि नहीं मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, लो फील करते हैं। और उस टाइम उनको सबसे जरूरी चीज क्या करना चाहिए एज अ रिमेडी, मैं जो कि बता रही हूँ कि वो एक ग्लास में पानी ले और जब भी उस पानी को पिए तो वो बोले कि ये पानी मेरे लिए अमृत के समान है। तो उससे क्या होगा, वो अपनी मेंटल पावर को एनहांस कर रहे हैं, जो उनका सबसे बेसिक चीज है। मून और पानी दोनों ही इमोशंस से भरा हुआ है, क्योंकि पानी में भी हम बोलते हैं कि हम कुछ भी बोलेंगे तो पानी कर जाता है जी। तो इसके हिसाब से नंबर टू वाले को बहुत ही जरूरी है कि अपने आप को स्टेबल रखें और सेवा भाव में तो रहे, लेकिन बिजनेस पर्पस से उनको ये हमेशा लॉस देता है। अच्छा, तीन नंबर के लिए। तीन नंबर क्या है, जैसे कि अगर हम लोग वैदिक के हिसाब से देखें, अपने आप में एक पूर्ण रूप से ओम है जी। तो जो ओम है वो जैसे हमारे महादेव जी हैं, तो उनसे बड़ा हम लोग जैसे बोलते कोई नहीं होता है। और तीन गुरु का नंबर होता है, तो जो गुरु होता है ना वो सबसे ऊपर होता है, वो जो कह दिया वही हाँ हो जाता है। वो जहाँ भी तीन नंबर वाले होंगे लोग उनको सुनना पसंद करते हैं, सबसे पहली बात। दूसरा कि लोग उन पे ट्रस्ट करते हैं, ट्रस्ट इश्यूज तीन नंबर वाले लोगों में नहीं होता है, नहीं होता है, क्योंकि वो मान ही लेते हैं कि इसने बोला है तो सही ही बोला है जी। और उनकी टेंडेंसी जो होती है ना, एकदम से आपको जो भी बोलेंगे हाँ ये ऐसा है तो ऐसा ही है, और वो किसी की बात को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि एक्सेप्टेंस की पावर गुरु को कम होती है। अच्छा, तीन नंबर वाले को बस गुरु का ही ध्यान करना चाहिए, गोल्ड धारण करना चाहिए, अगर गुरु खराब है तो वो दान करना चाहिए। अब जानना चाहेंगे चार नंबर के बारे में थोड़ा सा, इसमें मेरा ज्यादा इंटरेस्ट इसलिए कि मेरा भी चार नंबर है। ओके, चार नंबर क्या होता है ना कि अपने आप में आपको मालूम ही है कि राहु का नंबर है, ब्लू कलर है, और राहु जहाँ है वो सर है, जैसा कि बोलते हैं कि राहु को बस इतना ही मिला है। उनका सबसे बेस्ट पार्ट क्या होता है ना कि उनकी जो अंदर की चीजें होती हैं आप निकाल नहीं सकते हो, बहुत ही कॉन्स्पिरेसी आप बोल लीजिए अंदर ही चलेगी, वो आपको बताएंगे ही नहीं। उनका पर्पस कुछ और है, प्लान कुछ और है, और जब आपसे वो मिलेंगे
आई डोंट नो कि आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन ये फैक्ट है कि वो जैसे ही आएंगे ना तो उनको लगेगा, आपको लगेगा कि वो तो मेरे लिए आए हैं, बट ये उनका कहीं ना कहीं वो अंदर कुछ और प्लान है। जैसे आपका भी होगा कि पॉडकास्ट कर रहे हैं तो फिर कुछ और भी प्लान होगा, इसको लोगों के बीच में लेके जाएं, आपको ज्यादा से ज्यादा लोग जान पाए, तो ये सब होता है। और ऐसा क्यों होता है मतलब? क्योंकि वो राहु है, भ्रमित करता है। हाँ, ये आपको भ्रमित नहीं करेगा, इनफैक्ट ये आपको हर तरीके से चाहेगा कि मैं ऊपर रहूं। राहु जो है ना, मतलब नॉर्मल भाषा में कहें, हम लोग जैसे बोलते हैं तुम्हारा दिमाग घूम गया है, अच्छा वही राहु है। उसके लिए सबसे अच्छी रिमेडी है कभी भी बड़े प्लान ना करें, कभी भी नहीं। बड़ा प्लान आपने किया तो उसमें फेलियर आपको 99% है, मैं बोल ही रही हूँ, एकदम होना ही। अभी कोई एक्सेप्शन में कोई ऐसा आ जाए तो उसकी कोई और ग्रह दशा कोई अच्छी चल रही है, उसका वीनस स्ट्रांग होगा, उसका गुरु स्ट्रांग होगा, तभी हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता है। दूसरा क्या है कि राहु को सबसे बेस्ट उपाय है आपको स्ट्रांग करने के लिए, जैसे कि हम लोग कहते हैं कि अरे कोई आ रहा है उसकी आंखें नहीं है तो जाने के टाइम पे मत देखो, उसके पैर नहीं है ठीक से तो जाने के टाइम, आप बिल्कुल देखिए उसको रेस्पेक्ट के साथ देखिए, कभी आपका वो काम मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि सक्सेसफुल ना हो। होगा कब? जब आप उसको इग्नोर कर देंगे, क्योंकि वो बैठा ही है राहु बन के। और ये टेंडेंसी होती है जिन लोगों का राहु वीक होता है वो कभी ध्यान ही नहीं देंगे, जितने भी जो अपंग लोग होते हैं, हैंडीकैप्ड जो बोलते हैं, ये सब राहु होते हैं। आप जितने अच्छे से उनको मान सम्मान देंगे आपका खुद ब खुद वो स्ट्रांग हो जाएगा। जो भी ग्रह होते हैं ना हमारे, तो वो सब क्या होता है ना कि एक दूसरे से जुड़े हैं। सूर्य है नंबर वन है पिता है, दो नंबर है माँ का नंबर है, तीन नंबर है गुरु का नंबर है, चार नंबर है, मतलब आपको सारे देखेंगे तो एक पर एक आपको अपने आसपास वो सारे नंबर्स वाले सारे किसी ना किसी रूप में मिल जाएंगे। अच्छा, पॉजिटिव चीजें क्या है इसकी? राहु की क्योंकि वो सोचता है तो उसको करने की क्षमता रखता है चाहे कितने भी हर्डल्स आ जाए, ये सबसे बड़ा पॉजिटिव है। और कितनी भी हालत खराब हो, राहु वाला इतना इंटेलेक्ट होता है कि खुद का रास्ता तो निकाल ही लेता है। जी, पांच नंबर वाले के बारे में जानना। पांच नंबर जो होता है ना, सबसे उसकी खासियत यह है ना, प्योरली बिजनेस माइंडेड। उनका माइंड जो होता है ना वो बिजनेस रिलेटेड ही चलता है। वो सोते भी है ना तो वो लगता है ना कि एक दो डील क्रैक करके ही सोए। अच्छा, हाँ, उनकी एक खासियत है। और पांच नंबर बिजनेस के लिए सपोर्टिव तो है ही, उनके दोस्त बहुत होते हैं, बहुत ही जल्दी मिंगल होते हैं। कोई भी आएगा आपको लगेगा नहीं, आप बस सीधा अगर आपसे कोई मिला पहली नजर में ही और आके आपको अच्छे से बात कर रहा है ना, आप समझ लीजिए कि वो नंबर पांच है। हो ही नहीं सकता कि वो नंबर पांच नहीं हो। पांच नंबर नहीं रहेगा उसके बहुत चार में तो उसको गर्ज ही नहीं आएगा कि आपसे आके मिले। और पांच नंबर वाला है ना कि अगर कोई भी अगर किसी देश का भी दूसरे देश का भी अगर आता है प्राइम मिनिस्टर तो भी जाके मिल लेगा, वो बोलेगा हाँ करके आएंगे और वो डील क्रैक करने का मास्टर होता है। तो इसीलिए मैं तो सबको एडवाइस करती हूँ, अगर बर्थ चार्ट में है तो इट्स ओके, नहीं तो आप किसी ना किसी को तो पकड़ के रखिए, वो पांच नंबर वाला होना चाहिए। छह नंबर वालों के बारे में, छह नंबर वीनस का नंबर है, लग्जरी। ठीक है, जो लग्जरी है ना वो बिना छह नंबर के आएगी नहीं। आपकी शादी हो, आपको अच्छा पति या पत्नी हो, ये सब छह नंबर के ही लक्षण है। जहाँ नहीं है उनकी शादियां बहुत डिले होती है। अच्छा, हाँ, जहाँ नहीं है उनको आर्थिक तंगी बनी रहती है। आप कहेंगे कोई कि हस्बैंड को क्या करना चाहिए अपने ये छह नंबर नहीं है तो फिर वाइफ को गजरा लाके दीजिए। अच्छा, सबसे बेस्ट ऑप्शन है, वाइफ को परफ्यूम लाके। तो अगर वाइफ छह नंबर वाली हो तो? नहीं हो तो भी, नहीं हो तो भी, नहीं हो तो भी आपको ये करना है क्योंकि आपको लग्जरी बढ़ानी है ना, तो कुछ ना कुछ तो रेमेडीज चाहिए ही चाहिए। तो उसके लिए और प्लीज ऐसा मत सोचिए कि सिर्फ वाइफ के लिए ही होता है, हस्बैंड को भी आपको रेस्पेक्ट करना पड़ेगा। ये नहीं कि चार दिन गिफ्ट नहीं मिला तो आप बोलेंगे कि अरे अभी मुझे मिला ही नहीं तो मैं तो फिर बोलना चालू करूं। तो ये सब छोटी छोटी रेमेडीज हैं बट काम करती हैं, अच्छे से काम करती हैं। छह नंबर तो अपने आप में इतना अच्छा है, माँ लक्ष्मी का स्वरूप है वो, जो घर में जो भी रहते हैं, घर में बेटियां हो, माँ हो, बहन हो, सब बीवी हो, लेकिन आपको बस इतना ही करना है उसको एनहांस करने के लिए, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। छह नंबर नहीं है तो आप हर एक लेडी, चाहे आपकी बहन लगे कोई भी लगे, आप बस उनको रेस्पेक्ट करिए, आपको खुद उसके नंबर के एट्रीब्यूट आ जाएंगे। सात नंबर वालों के लिए? सात नंबर वाले तो सबको मालूम है, वो केतु का नंबर है। लोग डर जाते हैं केतु के नाम से कि ये तो पूरा ही इल्यूजन ही है, लेकिन आप मानिए ऑकल्ट में अगर कोई भी जाता है बिना सेवन नंबर का नहीं जाएगा। अच्छा, जो बिजनेसमैन, आप जितने बिजनेसमैन को देखेंगे, जो भी
टॉप क्लास के होंगे, उनके बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं 7 होगा या 7 नंबर का सपोर्ट होगा किसी और पर्सन के थ्रू। क्योंकि आपका बिजनेस क्या है ना, एक तरीके से आप जो कर रहे हो इंटेलेक्ट वे में और एक इंट्यूटिव माइंड से कि ये किए तो ऐसा होगा, तो कहाँ से आएगा? नंबर 7 से आएगा। तो वो बहुत ही जरूरी है। और सबसे खासियत है नंबर 7 वालों की ना, कुछ सोचते ही नहीं है, अपनी दुनिया में मस्त। जो जिस वे में कह दिया हम वैसे नहीं जाएंगे, हम जैसे हैं वैसे ही जाएंगे, क्योंकि सिर नहीं होता है इसलिए। हाँ, सिर नहीं होता इसके लिए। अब मोर को क्या खबर कि उसका पैर कितना खराब है, वो बारिश आएगी तो नाचेगा ही। वही है नंबर 7, उनको बस अपने आप में मस्त रहने आता है, काम कैसा भी चले उनको अपने आप में मौज आती रहती है। 8 नंबर वालों के लिए, 8 तो अपने आप में एक ऐसा कंप्लीट नंबर है जो कि किसी नंबर में नहीं है, एकदम आप देखते हैं ऐसे इनफिनिट है वो जी। तो वो क्या करता है कि आपको हार्ड वर्किंग बनाता है, आपको सारी चीजें दे के जाता है जो बाकी नंबर्स नहीं दे, जो 3 नहीं दे के गया, जो 6 नहीं दे के गया, जो 9 नहीं दे के गया, वो सब आपको 8 दे के जाएगा। इन्फिनाइट साइन ना, बहुत लोगों को अभी तो इतना चलन में है, लोग टैटूज बनवाते हैं तो उसमें इन्फिनाइट साइन बनवाते हैं, सिर्फ इसके लिए कि उनको ये सब कॉन्शियस माइंड में हो जाए कि ये नंबर 8 है और उसके साथ ही इन्फिनाइट का है जी। तो वो आता है, जैसे अभी जो ये साल है 2024, तो शनि का ही है, नंबर 8 है। आप 100 लोग से मिलेंगे ना, आपको 99% ऐसे लोग मिलेंगे ना कि इसी साल में उनका बहुत अच्छा हुआ है जी। लेकिन उसके साथ कंडीशन है शनि का नंबर है, क्योंकि ये ईयर को भी हम लोग ऐड करते हैं 2024। हाँ, तो ये शनि का ही साल। हाँ, तो इसमें एक प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि जिन्होंने अच्छा कर्म किया है ये साल तो उनको बहुत कुछ दे के गया, अच्छा, और नहीं तो फिर कोविड वाला टाइम या ये टाइम उनके लिए बराबर है, बराबर है, किल्लत तो उनको लगी ही रहेगी। इसलिए सबसे पहले, सबसे प्रधान जो कर्म को मान के लोग जो काम करते हैं और उसके साथ जो इंट्यूशन है या फिर बिजनेस का नंबर है, वो तो आपको सब कुछ देके जाएगा। और 9 नंबर वालों के लिए, 9 नंबर का जो आप बनावट देखेंगे ना, तो उसमें 1 भी होता है और अपने आप में एक 0 भी होता है। अच्छा, तो वो आप बोल लीजिए तो अपने आप में कंप्लीट है। तो ये एट्रीब्यूट आपको जो उल्टा करेंगे तो 6 का भी देके जाता है, 1 तो दिया ही, होल दिया जी। तो नंबर 9 वाले ना, लीडरशिप क्वालिटी है उनको, बात तो आपकी सुनेंगे ही नहीं, आपने कुछ अच्छा भी बता दिया ना वो तुरंत भड़क जाएंगे कि ऐसा नहीं, ये ऐसा है। और उसके साथ साथ एक उनकी एक खास बात यह है ना, आप उनको प्यार से समझाइए, ये खास बात या फिर आप रिमेडी जो समझ लीजिए, आप बस प्यार से समझाइए उनको कि नहीं ये आपको काम ऐसा नहीं करना है, आपको ऐसा करना है, और वो करते हैं। आप चाहे वो बच्चा ही क्यों ना हो, वो 4 साल का बच्चा है, आप उसके पास जाएंगे ना ऐसे जोर से उसको डांटने की, नहीं हमारी बात तो तुम्हें डांट खा गए ही माननी है, नहीं मानेगा वो। आप अपने घर में किसी बच्चे को देख लीजिए जिसका नंबर 9 हो, मंगल है, वो मानेगा ही नहीं। और नंबर 9 वाले की एक चीज और बहुत ही खासियत, प्रॉपर्टीज बहुत लेते हैं, बहुत ही प्रॉपर्टीज के शौकीन होते हैं, उनको जितना दे दो उनको लगेगा कम है, और ले लेते हैं और ले लेते हैं, ये लगा ही रहता है। काफी अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं सारे व्यूअर्स से ये कहना चाहूंगा कि न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके अगर माइंड में है तो स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया है अपेक्षा जी से आप बात कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं और उसके बारे में बहुत सारी चीजें जान सकते हैं, सॉल्यूशन वगैरह जान सकते हैं। तो चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आप सबों से रिक्वेस्ट है कि जितने लोग नए हैं सब लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।